ਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਮਰੇ ਕੋ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਚ ਲਾਗ ਪੈ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहज़ाद। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। एक बज गया, लंच का टाइम होने वाला है और दो दिन भाई बारिश हुई है तो मौसम रहा है अच्छा। अब तीसरा दिन हुआ, धूप भी निकल आई है, हबस भी बन गई है। ये देखो भाई पसीने, अब पसीने इतने आएंगे ना ये तीन चार दिन, क्योंकि ना जो गर्मी की तपश से ज़मीन का वो जो गर्मी थी ना वो हबड़ास बन के अब निकलेगी। पानी सारा अब्जॉर्ब किया ना तो अब हबस की सूरत में निकलेगा जी। और इधर जो है ना भाई अमां जी ना दाने साफ़ कर रही हैं। खैर हो, दाने साफ कर रही हैं यार। हाँ जी, दाने साफ कर रही हैं, जा रही हैं लाहौर। अच्छा, वहाँ तो मैं आटा ला जाऊँ। सही, तो अपना बना के ला जाए। अपनी ये देखें भाई, इसकी ना अभी सफाई कर रही हैं अम्मा, ताकि इसमें कुछ छोटे छोटे दाने मिट्टी वगैरह किस तरह के जो दाने हैं ना, जैसे ये है तो ये हो जाएंगे जी सेपरेट, फिर इसका आटा बनवाएंगे। अपनी गंदम रखी हुई है ना इस बार हमने आटे के लिए, तो इसलिए फिर ये साफ़ हो रहे हैं। भाई देखिए आज जो है ना भाई भाई लियाकत वापस जा रहे हैं जी लाहौर। छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, शादी भी ख़त्म हो गई, ईद भी ख़त्म हो गई, तो अब जॉब का दोबारा से वो कहते हैं ना रूटीन में आना बनता है, तो वो आज चले जाएँगे। भाभी ऑलरेडी अपने मायके गई हुई हैं, कल छोड़ाए थे भाई लियाकत, तो वहीं से उनको पिक करेंगे, शावेज़ को भी पिक करेंगे और फिर निकल जाएंगे जी लाहौर के लिए, और कल से फिर से वही ड्यूटी। अच्छा भाई, एक और बात भी आपके साथ कन्फेस करनी है, वो ये कि आपने कहा, मैंने कहा था कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो बारबेक्यू अभी तक नहीं हो सका। ईद का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया, अब तो चौथा दिन वैसे स्टार्ट हो गया। तो भाई भाई लियाकत ने ये काम ज़्यादा सपोर्ट करनी होती, किसी ने साथ ही नहीं दिया, सबने भाई दबा दबा के गोश्त खाया हुआ था, किसी का दिल ही नहीं कर रहा था बारबेक्यू करने का, ऊपर से हबस गर्मी, तो फिर यही हुआ कि कैंसिल हो गया। वैसे भी कल भाई लियाकत जो ना मतलब भाभी के मायके गए हुए थे, अपने ससुराल गए हुए थे, तो वो ज़्यादा टाइम उधर लगा के रात को लेट आए, तो इस वजह से भी प्लान हमारा जो है ना कैंसिल हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे इंशाल्लाह। दिन चल रहे हैं, ज़िंदगी भी चल रही है, तो कोई मौका बन जाएगा तो फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल भाई बारबेक्यू कैंसिल हो गया है। इधर भाई जो है ना लग्जरी काम चल रहा है, छतरी लेके ना भाई गाड़ी साफ़ की जा रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? टाइम नहीं है ना भाई। हाँ जाना ना, फिर टाइम नहीं है ना तेरे। सही है, सही है। इधर पर बी एम डब्ल्यू वाली लेके ना फाद हो जा रही है, तो अभी जो है ना अम्मा कह रही हैं कि ये जो गंदम है ना इस पर काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मशीन से इसको साफ़ करवा लेते हैं, दोबारा से इसी के अंदर डालते हैं भाई। इसको ना वैसे ही उठा लेते हैं ऐसे, तो मुझे पकड़ा बहुत बड़े बारे नहीं आए। तो ये भाई अभी जो है ना दुकान पे ले जाता हूँ, मशीन पे ना इसको डाल देंगे, तो जो रोड़ियाँ हैं ना मिट्टी वाली वो सारी टूट के निकल जाएंगी। एक एक चुनने बैठ गई थी अम्मा, तो काफ़ी टाइम लग रहा था, तो इस तरह काम ये आज नहीं हो पाना था। भाई लियाकत ने आटा ले के जाना है, तो इसको चक्की पे छड़वा लेते हैं। हाँ भाई इधर आ, ये दाने हैं इनको मशीन में डालने उधर, और इसमें रोड़ियाँ मिट्टी वगैरह की वो निकालनी, फिर इसका आटा बनाना है। ठीक है, अभी कर ले। ये भाई जो दान वाली मशीन लगी हुई है ना, इसमें डालेंगे तो ये चावलों को भी अलग करती है और मिट्टी को भी अलग कर लेती है। और इधर जो है ना ये भैयाई खड़ी है गाड़ी, ये जो सामने क्लिनिक है ना वो वाइट वाला, वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, उनकी ये गाड़ी खड़ी है, तो इधर ही खड़ी कर जाते हैं, और पार्किंग की कहीं जगह नहीं होती तो फिर यहाँ पे खड़ी करते हैं। मशीन की जो है ना हालत थोड़ी सी, काफ़ी थोड़ी सी तो नहीं बल्कि काफ़ी ख़राब हुई खड़ी है, लेकिन काम कर रही है, तो चल जाए, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, अदरवाइज इसकी ना थोड़ी सी रिपेयरिंग वगैरह का काम होने वाला है। ख़राब हो गई है, बाहर लगी हुई है ना। हाँ, बारिश पानी वो सब कुछ इसी में। हाँ, ये भी बड़ा मसला, बाहर लगी हुई है तो बारिश आती है, पानी वगैरह इसमें जाता रहता, तो इस वजह से भी काफ़ी इसकी ना हालत निज़ाम दरम भरम हुआ है। चल भाई चला दे फिर। पहले ना इसमें भाई थोड़े चावलों की सफाई हुई है ना, तो ये देख रहे हो चावल निकल रहे हैं, ये चावल जब निकल जाएंगे ना फिर गंदा माना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है ना भाई मिट्टी, ये देख रहे हो मिट्टी इधर निकल रही है, और साफ हो के दाने जो है ना इस तरह से ये सेपरेट हो रहे हैं। ये सारी इसमें से मिट्टी निकल रही है।
भाई दो बार इनको ने रिपीट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हो गए थे साफ, देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गए, मिट्टी छट्टी जो दाने थे ना वो सारे निकल गए और गर्म भी हो गए, रगड़ रगड़ खा के निकलते हैं ना, पसीना देखो आप आके छोड़ो। अच्छा भाई तो गंदम जो है ना साफ़ हो गई है माशाल्लाह से, देख लो तकरीबन ना समझ लो 5 से 6 मिनट लगे हैं, अगर यही घर में लगे रहते ना तो सारा दिन गुजर जाना था, मिट्टी नहीं निकलनी थी, और अब मिट्टी भी अच्छी तरह से निकल गई है, देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, वैसे ही चावल मिक्स हो गए हैं थोड़े थोड़े इसमें जो है ना, अदरवाइज वैसे साफ़ हो गए हैं सारे। और इधर ये देखो ये सारी धूल निकली है इसमें से, ये तो इसका भैया आटा भी बनाना है, ठीक हो गया। हाँ और पसीना आपको पता नहीं मेरे फेस पर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है भाई आज, बहुत ज्यादा आ रहा है। गंदम साफ हो गई है, अच्छा आटा बनाने के लिए भी दे दिए, मजीद चेक करनी है एक बार आप खुद चेक कर लें, वो तो कह रहा है कि अब कोई मसला नहीं है आटा बन जाएगा, इसको दोबारा साफ करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ अरे एक बार देख लें भैया, आपको दिखा दे भाई अम्मा को, साफ हो गया नहीं। एक बार पंखे में बहा ले। अच्छा भाई एक बार और तसल्ली कर लेते हैं, पंखे में बहा लेते हैं ताकि धूल जो है ना वो उड़ जाए, ऐसे तरह मेरे सिर तरह खा भाई, रख भाई पकड़ा, ये भाई एक बार फिर से इसको ना पानी हवा मरवा लेते हैं, ये भाई रोटी खाना देख रहे हो कितना कितना मुश्किल होता है, वो भी इस गर्मी में, एक तो रोटी खानी मुश्किल दूर पर से रोटी बनाना भी मुश्किल। ये भाई अब जो है ना धूल वगैरह सारी निकल जाएगी फिर बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्लीन तो हो गए थे वो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, ये देख रहे हो इस तरह से निकल रही है, गर्मी की हालत आज आप ना पूछो, बहुत बहुत हबस है, ओए हो पसीना इतना आ रहा है ना पता नहीं क्या मसला है, मतलब गर्मी तो पहले भी होती है लेकिन जो पसीने वाली गर्मी है ना अब स्टार्ट हुई है ये बारिश के बाद, और ये हमें पता था कि ये होना ही होना है। तो खैर जी अब ये बना के लाया था जी मैं विटामिन सी की, वो जो CAC 1000 की टैबलेट्स होती हैं ये भी डेली पी लेता हूँ, एक तो नेल्स के लिए अच्छी होती है, हेयर्स के लिए अच्छी होती है, स्किन के लिए अच्छी होती है, वैसे भी ठंडी होती है और बोन्स के लिए भी अच्छी होती है, तो ये मैं डेली एक पीता हूँ, अभी स्टार्ट किए हैं तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ, आप भी पिया करो अच्छी होती हैं। अच्छा भाई आटा भी जो है ना रेडी होके आ गया है, वजनी है भाई और इस बार तकरीबन 15 किलो तो होगा, काफ़ी वजनी है यार, तो इधर पीछे जो है ना भाई लियाकत ने बैग रख लिए, इधर शूज़ रख लिए, जगह बनाते हैं कहीं भी रखने किसकी भी। अच्छा भाई तो सामान वगैरह अभी सारा गाड़ी में रख दिया था, अभी भाई लियाकत बस निकलने के लिए तैयार है, जाएंगे भाभी के घर, भाभी को लेंगे वहाँ से और फिर जो है ना लाहौर के लिए निकल जाएंगे। भाई लियाकत तो चले गए और अब भाई ये एसी आ गया हमारे पास
भाई अब हम मैं भी एसी पे बैठ सकूंगा नहीं तो पहले सदाकत की बारी थी, शिफ्टें लगती रही हैं। आप भाई लियाकत भी चलेंगे और अम्मा और मैं और अब्बा जी बैठेंगे एसी जी तले हैं, ठीक नहीं है? तो आप भाई इंशाल्लाह एसी हमारे कब्जे में है तो रूम भी खाली हो गया। अब भाई मेरी शिफ्टिंग यहाँ पे होने वाली ऑफिशियली तौर पे ना, मतलब अब सदाकत परमानेंट अपने घर में शिफ्ट हो गया। और भाई लियाकत तो चलो वो जैसे सदाकत की रूटीन होती थी कि महीने डेढ़ के बाद आते थे तो फिर मैं रूम खाली करता था, अब ऑफिशियली तौर पर ये रूम मेरे पास है और जब भाई लियाकत आया करेंगे तो फिर खाली हुआ करेगा। तो अब भाई जो है ना हम ऐसे ऐसे बैठा करेंगे, हाँ एसी चला के भाई बिल भी बढ़ जाते हैं, बिल भी भरना पड़ता है इसका, तो बस मतलब इस तरह गुजारा करेंगे, मतलब इस तरह चलाया करेंगे ना कि घंटा डेढ़ चलाया तो रूम ठंडा हो गया फिर फैन चला रही है, इस तरह परमानेंट चलाते रहो तो 20-25-25-30-30 हज़ार बिल आता है, तो इतना भाई अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा चलाया करेंगे, बस ठंडा कमरा कर लेंगे, अदरवाइज जो पंखे की हवा होती है ना वो भी गर्म लगती है ना, तो इस तरह से चलाया करेंगे। लेकिन भाई चलाया आप ज़रूर करेंगे, ये कह सकता हूँ कि एसी के नीचे बैठता हूँ। तो अभी दूसरे कमरे से भाई अपना सामान वगैरह भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे सिंगार पे, अब भाई यहाँ पे हम सजा समरा करें, वो क्या करेंगे सजा समरा क्या कहते हैं सजना संवरना भी करेंगे। तो बस दिल नहीं कर रहा मेरा शिफ्ट होने का, वो रूम के साथ ना अटैचमेंट ही ऐसी हुई है ना कि बस चार पाई मुझे ऐसे लगता है मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे गर्मी लगेगी मतलब ना मुझे एसी वाली फीलिंग भी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे मैं तकरीबन कितने अरसे से हूँ, 6-7 साल से होऊंगा, डिग्री तब भी आता था तो उधर ही होता था, फिर भी उधर मतलब 4 साल तो डिग्री में गुजर गए, उसके बाद 3-2 साल तो उसके बाद भी गुजर गए, मतलब वो रूम के साथ भी बड़ी एक अलग अटैचमेंट है। तो अभी भी मेरा नियत यही है कि सोया वहीं करूं और बस जब मतलब गर्मी वगैरह हो तो यहाँ थोड़ी देर आके बंदा बैठ जाए, लेकिन जो सिचुएशन होगी वो भी देखेंगे। फिलहाल तो भाई सामान भी इधर लेके आते हैं क्योंकि ना यहाँ रेडियो ना वगैरह में भी इजी होता है, बंदा शीशा भी लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको छोटा शीशा उठा के देखना पड़ता है। तो भाई फाइनली ऑफिशियली तौर पे हम इस रूम में आ चुके हैं जी, वाह। ये सामान जो है ना अब हम उधर लेके जाते हैं, इसको सेट करते हैं जी सिंगार के ऊपर और वहीं पर आप ये रखा करेंगे जी। बहुत इंतज़ार किया इन परफ्यूमों ने यहाँ पे सेट होने के लिए, फाइनली अब ये हो गए हैं भाई यहाँ पे। ये लंबी टोकरी अब इसमें सब्जियाँ रखी नहीं रखेंगे अभी काम आएंगी, फिर मुझे जब भाई लिया करने आना तो फिर मुझे टोकरियाँ उठानी पड़नी ये टोकरी इसमें आधी पड़े रहने दे यहाँ पे जैसे डाल दें भाई। दिल तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि उस रूम से इधर आऊँ, लेकिन ये है ना कि वो रूम खाली हो जाएगा ना तो गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए काफ़ी है, पहले मेरे लिए इशू बनता है कि जब भी गेस्ट आते हैं ना तो मैं वहाँ से सामान उठा रहा होता हूँ, साफ कमरा साफ कर रहा होता हूँ कि गेस्ट नहीं बैठने, क्योंकि वो गेस्ट रूम है प्रॉपर एक रूम नहीं है। तो लेकिन अब जो है ना वो मतलब बिल्कुल सेट हो जाएगा, वहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठा करेंगे अगर कोई आता है तो, बाकी जब भाई लियाकत आया करेंगे तो 1-2 दिन जैसे पहले गुजारा हो रहा था वैसे हो जाया करेगा। ताकत तो जितना अरसा यहाँ गुजार गया उसने इस कमरे में कोई खास कमाल नहीं दिखाए, तो इस बार भी मैं बड़े खास कमाल दिखाऊँगा, इसको रेनोवेट करूँगा, इसमें बहुत सारी चेंजिंग करनी है, वो क्या कहते हैं पेंटिंग्स लगाऊँगा, कोई मतलब इस कमरे को ना कमाल का बना देना, आप बस देखते जाएं आगे आगे, बस आके की शादी आ रही है वो गुजर जाए उसके बाद मैं हूँ फ्री, तो फिर तसल्ली से इस रूम को ना डेकोरेट करूँगा, तो आपके साथ भी सारी वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। अहम सही नहीं है कमरे को डेकोरेट कर देना है, पेंटिंग्स लगा देनी है यहाँ पे ना भाई, बिल्कुल इसका नाम और निशान ही चेंज कर देना है। मैंने काफ़ी पेंटिंग्स देखी हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ना फिज़िकली जाकर खरीदूँ, ऑनलाइन ना खरीदूँ, अहम बाद में मसले बन जाते हैं, फिट नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, तो जब मेरा चक्कर लगा ना तो मैं फिज़िकली पेंटिंग्स भी खरीदूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा। अब्बा जी भी आ गए हैं भाई, बैठो भाई हूँ ए सी तो पाना तुम, ठंडी ठंडी हवा खानी बैग, फिलहाल तो बंद है खैर तो कमरे की सेटिंग जो है ना मैंने अपने हिसाब से कर ली है जी, इधर ये अभी बस पिलो उठाने वाले रहते हैं भाई लिया करके, बाकी मतलब चादर भी चेंज कर दी, इधर अब्बा जी बैठे हुए हैं और सोफे भी सेट हो गए, ये मेरा हैंड्स वगैरह पड़े हुए हैं
और इस तरह से ये इधर सेट हो गई चीज़ें। बाकी वो टोकरी में मैंने टैबलेट्स वगैरह मतलब पड़े हुए हैं, मल्टीविटामिन वगैरह हैं, वायर्स वगैरह हैं, केबल्स वगैरह हैं, वो टोकरी में रहने देता, क्योंकि अगर इनको निकालूंगा ना तो बिखर जाएंगे। बाकी चार्जर वगैरह का सिस्टम मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो गया जी सेट। ठीक लगता पिया भाई? बाह इधर यहाँ के बैठे करना जी, तुम गर्मी लगे ना थोड़ी जी, इतने आ जाना तो ए सी चला के बह जाना, ठंडा ठंडा मौसम बढ़ा के ना। ये भी है फिर आदत पड़ गई ना तो फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होनी, तो जब गर्मी शर्मी लगे आ जाना, ए सी चल जाएगा और आपने इधर आके मजे करने हैं जी। तो रूम हो गया बस सेट, अब कोई और जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी करने वाली वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी जी, और इस कमरे के अब आहिस्ता आहिस्ता आदत भी डालनी है। सुबह से ना काफ़ी सारे काम थे करने वाले, मतलब ये उधर उधर सामान उतार डाल रख, सबसे जो मुश्किल काम था ना वो गंदम वाला था, वो इतनी मिट्टी उड़ी है ना, तो मैंने पहले भी बताया मिट्टी से ना मुझे पता नहीं एलर्जी सी हो जाती, तो अभी नहाना भी है मैंने, फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी की जो सीन शेयर करेंगे आपके साथ। और बाकी भाई इस रूम में आके ना थोड़ा सा ना मुझे वियर्ड फील हो रहा है, क्योंकि मैं इस रूम में सोया नहीं, और स्पेशली तौर पे मैं बेड पे कभी नहीं सोया, मतलब बहुत कम सोया हूँ, चारपाई पे सोता हूँ, तो चारपाई की भी मुझे आदत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो कहते हैं ना हालात वक्त और हर चीज़ के साथ चलना पड़ता है, तो बदल जाएगी आदत भी। तो फिलहाल भाई अब इस बेड पर सोया करेंगे और एसी पे भी बैठा करेंगे जी, ठंडे ठंडे होए 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 होए, ठंड पै जानी, मैं कहना बहुत ठंड पै जानी, तो जेड़ा बिल फिर आना ना फिर मैंने जी गर्मी होनी है ना, होए होए भाई बड़े अरसे हो गया थे शीशे के सामने तैयार हुए, आज मौका मिला है। अब रोज़ यहाँ पे ही तैयार हुआ करेंगे। ऐसे भी किए हुए बड़ा अरसा हो गया। भाई जिस तरह की गर्मी चल रही है ना, आज जिस तरह की गर्मी थी, दिन में 2 से 3 बार ना नहाओ ना तो सुकून ही नहीं आता, पसीना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये इस मौसम की खूबी हैं। तो 2-3 बार तो मैं लाजमी नहा लेता हूँ, अब ये मेरी दूसरी बारी होगी, एक बार रात को सोने से पहले नहा लूँगा, फिर बंदा ना थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। अच्छा भाई तो फिलहाल वीडियो करते हैं जी खत्म, वीडियो पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर मस्ट है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, नए रूम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब्बा जी भी बैठे हुए, आज अब्बा जी को भी बहुत गर्मी लग रही, गर्मी लगती भी आज, आज भाई वाकई में इंतहा वाली बाहर हब्बा सफर बनी हुई है ना, अब्बा जी बार बार रूम में आके बैठते हैं। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं भाई खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टल द नेक्स्ट, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।